तो गाइस फाइनली यहां पर होता है जॉन सीना के करियर का दी एंड। आज से एग्जैक्टली 2002 में उन्होंने अपना पहली बार डेब्यू किया था और इस बार मनी इन द बैंक में उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इस बार का उनका ये समर स्लैम जो होने वाला है वो लास्ट होगा, उसके बाद रेसलमेनिया मैच भी लास्ट होगा, उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर साथ साथ रॉयल रंबल और ये लास्ट 2025 में वो रिटायरमेंट ले लेंगे। तो वेल गाइस इसके पश्चात उन्होंने काफी ऐसे रिकॉर्ड जिन्होंने तोड़े और बनाए और ऐसे भी रिकॉर्ड है जो अभी टूटने लायक भी नहीं है। और गाइस अभी काफी ऐसी भी चीजें हैं जो जॉन सीना एक बार भी अचीव नहीं कर पाया, शायद उनके ये करियर का ड्रीम ही रह जाए। तो गाइस नंबर वन पे आता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो गाइस यहाँ पर जॉन सीना एक बार भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीत पाया। लास्ट टाइम उनका जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच हुआ था वो रॉयल रंबल के साथ हुआ था 2017 में। वैसे गाइस यहाँ पर जॉन सीना काफी सारे टाइटल्स जीत पाए हैं पर ऐसा एक बार भी नहीं देखने को मिला जब वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बन पाए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट नंबर टू पे देखने को मिलता है किंग ऑफ द रिंग। ये भी जॉन सीना का ड्रीम ही रह जाएगा, अभी एक बार भी किंग ऑफ द रिंग का यहाँ पर चैंपियन नहीं बन पाया जॉन सीना। हालांकि गाइस 2002 यानी कि 13 साल पहले इस मैच में यहाँ पर जॉन सीना को फीचर किया गया था जहाँ उनके राइवल्स थे ब्रॉक लेसनर, बुकर टी, ट्रिपल एच और उसके साथ साथ यहाँ पर थे कर्ट एंगल। उसके बाद गाइस नेक्स्ट नंबर तीसरे पे आते हैं यहाँ पर ग्रैंड स्लैम चैंपियन। ये भी गाइस जॉन सीना का ये ड्रीम मैच तो ड्रीम ही रह जाएगा क्योंकि ये भी अभी जॉन सीना एक बार भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं बने हैं तो ग्रैंड स्लैम चैंपियन कैसे बन सकते हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट नंबर फोर पे आता है हेल इन अ सेल। उन्होंने एक बार भी अपना हेल इन अ सेल में टाइटल रिटेन नहीं कर पाए हैं। गाइस उन्होंने काफी सारे मैचेस में फाइट देखने को मिले थे जैसे कि दी रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, उसके बाद हल्क होगन और भी काफी सारे रेसलर थे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट नंबर फाइव पे आता है जॉन सीना। अभी तक एक बार भी यानी कि वार गेम में फाइट नहीं किए हैं। हालांकि जॉन सीना एक बार यानी कि 2022 में सर्वाइवर सीरीज में उनको पार्टिसिपेट किया गया था पर वो एक बार भी वार गेम में यहाँ पर फाइट नहीं किए हैं। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, क्या जॉन सीना इस वार गेम में मैच में कभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे या फिर नहीं? उसके बाद गाइस नेक्स्ट नंबर सिक्स पे आता है कि जॉन सीना एक बार भी अभी रॉमन रेंज को सिंगल मैच में नहीं हरा पाए। वैसे गाइस जॉन सीना और रॉमन रेंज काफी सारे मैचेस में जो कि आमने सामने देखने को मिले पर जॉन सीना एक बार भी यहाँ पर सिंगल मैच में रॉमन रेंज को नहीं हरा पाए हैं। गाइस वन ऑन वन काफी सारे सिंगल मैच हो चुके हैं जैसे कि था वो समर स्लैम मैच, नो मर्सी मैच और भी काफी सारे मैचेस में ये पार्टिसिपेट किए हैं एक दूसरे के सामने। यहाँ पर जॉन सीना के फैंस का ये ड्रीम भी है कि जॉन सीना एक बार रॉमन रेंज को जरूर हराए आने वाले मैचेस में। उसके बाद गाइस फाइनली लास्ट और नंबर सेवन पे आता है जॉन सीना एक बार भी अभी यहाँ पर सीएम पंक को भी नहीं हरा पाए हैं। गाइस यहाँ पर जॉन सीना और सीएम पंक काफी ओल्ड रेसलर रह चुके हैं, इनके करियर का शायद ही ये अंत होने वाला है। गाइस यहाँ पर सीएम पंक और जॉन सीना के बीच काफी सारे राइवलरीज देखने को मिली पर यहाँ पर जॉन सीना एक बार भी बीट नहीं कर पाया सीएम पंक को। और गाइस 2011 में यहाँ पर सीएम पंक ने जॉन सीना को बीट कर दिया था। उसके बाद से गाइस इनके बीच काफी कम राइवलरीज देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर चले गए थे, 2023 में उनका रिटर्न देखने को मिला। तो वेल गाइस आपको आखिर क्या लगता है, क्या जॉन सीना ये सारे मैच अपना कंप्लीट कर पाएंगे और इन सारे अपोनेंट को हरा पाएंगे आने वाले मैचेस में या फिर नहीं? गाइस यहाँ पर ये हो सकता है कि ये सारे ड्रीम मैच उनका ड्रीम मैच ही रह जाए और 2025 में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट ले लें।